अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना पर सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री ने योजना को बताया झुंझुना योजना। अखिलेश यादव ने खोल दी पहले ही दिन पोल। अखिलेश यादव ने बीजेपी नेताओं की बोलती कर दी बंद। बीजेपी को नहीं देते बन रहा अखिलेश को जवाब। एक तरफ सरकार का दावा कि वो युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है तो दूसरी तरफ हैं अखिलेश यादव जिनका दावा है कि सरकार धोखा दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना की शुरुआत की तो पहले ही दिन अखिलेश यादव ने सबूतों के साथ प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ की पोल खोल दी। अखिलेश यादव ने जहां योजना पर तंज कसा वहीं कई ऐसे सबूत दिए जिनसे लोगों को लगने लगा कि कहीं सरकार धोखा तो नहीं दे रही। अखिलेश यादव सोशल मीडिया के जरिए राज्य की योगी और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर ले रहे हैं और एक के बाद एक कई मामलों पर निशाना साधते रहते हैं। आज आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना पर भी अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए कटाक्ष किया और योगी मोदी की योजना की धज्जियां उड़ा दी। साथ ही जो सबूत पेश किए उससे बीजेपी नेताओं को जवाब देते नहीं बन रहा कि आखिर वो लोगों को क्या जवाब दें। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना पर तंज कसा और लिखा, मनरेगा में जनता को नाम मात्र के अस्थाई रोजगार का झुंझुना देने की जगह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बताएं कि तथाकथित इन्वेस्टर मीट्स और डिफेंस एक्सपो के बाद हुए कितने करार सच में बैंकों के सहयोग से जमीन पर उतरे हैं और उनसे कितनों को सच्चा रोजगार मिला है। अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद तमाम सपा नेताओं ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया और कईयों ने इसे शेयर करते हुए अपनी सहमति जताई। अखिलेश यादव की माने तो सरकार सिर्फ मूल मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है ताकि लोग मूल मुद्दों पर सवाल न करें और सरकार को जो करना है वो मनमाने तरीके से करती रहे। एक तरफ योगी सरकार की अखिलेश यादव ने बखिया उधेड़ दी तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर योगी सरकार की जमकर तारीफ की और कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना का मात देने के लिए जो प्लान बनाया वो देश में सबसे अच्छा प्लान है और योगी सरकार से अच्छा काम पूरे देश में किसी सरकार ने नहीं किया। तो पीएम ने सीएम योगी की तारीफ की और सपा ने इस दावे की भी पोल खोल दी। सपा की तरफ से कहा गया कि कम टेस्टिंग की वजह से मामले कम सामने आए हैं, वरना दिल्ली और मुंबई जैसा हाल यूपी में भी देखने को मिलेगा अगर कोरोना की टेस्टिंग बढ़ा दी जाए। बस झूठे दावे करके सरकार की तारीफ की जा रही है और आवाम को धोखा देने के लिए आंकड़ों की बाजीगरी की जा रही है। मोदी और योगी सरकार पर सपा का जुबानी हमला लगातार जारी है। आने वाले दिनों में इन हमलों का क्या असर देखेगा वो देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।